नागपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जीडीए बोर्ड की 122वीं बैठक में महायोजना 2031 पर अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुआ साकुशल संपन्न। विभिन्न प्रस्तावों पर लगी मुहर। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, बोर्ड के सदस्यों और नागरिकों का सुझाव मिलने के बाद महायोजना 2031 को बोर्ड में रख कर दिया जाएगा पास। ओडीओपी में शामिल टेराकोटा को लोकल से ग्लोबल बनाने में जुटी योगी सरकार। पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम योगी व एसीएस एमएसएमई नौनी सैगल से की मुलाकात। गोरखपुर के 5000 टेराकोटा शिल्पकारों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगा बैंक। पूंजी बढ़ाकर कारोबार को और रफ्तार देंगे टेराकोटा के शिल्पकार। पूर्वोत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों में टिकट कंडक्टरों को एचएचटी डिवाइस से किया लैस। डिवाइस के माध्यम से ऑटोमेटिक अनकंफर्म यात्री का ट्रेनों में ही होगा टिकट कंफर्म। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। शनिवार और रविवार को तारामंडल स्थित नौकायन पर घूमने आने वाले लोगों की सुरक्षा व सुगम यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक विभाग ने वहां नई यातायात व्यवस्था की शुरुआत। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। जनपद के सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ सीडीओ संजय कुमार मीणा ने की बैठक। कहा, सभी ब्लॉक प्रमुख अपने अपने क्षेत्र में गरीब मजदूरों को मनरेगा में शामिल कर उन्हें 100 दिन का दे रोजगार। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के तीसरे दिन केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य डॉक्टर राजेश कोटेजा ने साझा की आयुष की प्रगति की जानकारी। कहा, 6 साल में 6 गुना बढ़ी है आयुष मेडिसिन इंडस्ट्री। कोरोना के दौर में आयुष की वैश्विक उपलब्धियों को देख कर जामनगर में अपना सेंटर खोल रहा है WHO। रेल यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की है सर्वोच्च प्राथमिकता। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, जीवन रक्षा अभियान के तहत लगातार यात्रियों को किया जाता है जागरूक। दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त आजाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। डीडीएमए व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जलवायु परिवर्तन अब जमीनी स्तर पर हो रहे हैं महसूस। ग्रामवासियों से सभी लोगों को जानकारी लेने की है आवश्यकता। राजकीय ITI चरगांव पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। रोजगार मेले में 140 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग। 74 अभ्यर्थियों को मिला रोजगार, सहायक रोजगार सहायता अधिकारी ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जीडीए बोर्ड की 122वीं बैठक में महायोजना 2031 पर अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में सभागार में साकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि जीडीए महायोजना की बैठक की गई है। महायोजना को बोर्ड के समक्ष रखा गया है। बोर्ड के सभी मेंबर को प्रस्ताव दे दिया गया है। नागरिकों के जानकारी के लिए मीडिया में पब्लिश भी किया जाएगा, जिससे वे पब्लिक अपना सुझाव दे सके, उनके सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड मेंबर के सुझाव को भी दोबारा बोर्ड में रखकर पास रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि महायोजना में मुख्य रूप से बोर्ड में जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं, जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल को लैंड देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है, और जो बस स्टैंड है किस तरह से शहर के बाहर व्यवस्थित किए जाएं, जो मुख्य सड़कें हैं उस पर बाजार लगाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। इसलिए सभी लोग अपना अपना सुझाव दें, जिससे बोर्ड में रख कर पास किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, DFO विकास यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा,
मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल हमारे बीच में उपस्थित है, माननीय जिलाधिकारी महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, जो माननीय अधिकारी, मैं अध्यक्ष महोदय जनमत से इसकी अनुपालन आख्या है, मैं गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना के मध्य 5 एकड़ होटल एवं ऑडिटोरियम हेतु आरक्षित रिक्त भूम एवं चंपा देवी नील निकुंज के पश्चिम इंदिरा नगर प्राइवेट कॉलोनी से सटे 4 एकड़ पुलिस स्टेशन हेतु आरक्षित भूम के भूम उपयोग खुले स्थल पार्क के रूप में आवासीय किए जाने के संबंध में पहले नहीं कर पा रहा है तो इसका संचालन प्राधिकरण से कराए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय की ओर से पर्यटन विभाग को पत्र प्रेषित कराया जाए। वो पत्र प्रेषित किया गया है सर, चला गया। हाँ गया है। आरती भी आई है, रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर दोबारा भेज दे। मौखिक सहमति सर की हो गई थी, अभी लिखे करा लिया, बात कर ली तो एक चिट्ठी और चले जाए तो वो कितना मुझे देखना। रामगढ़ ताल परियोजना गोरखपुर के अंतर्गत मेसर्स जालान कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड तैयार किए जाने की दृश्य देख लें, जिससे ग्रीन बेल्ट गोरखपुर के लिए तैयार हो जाए। इस संबंध में सबको सौंप दिया गया है कल, तो आप क्या स्थिति क्या है सर, और उसके बदले में 4 अदद वाहन क्रय किए जाने के संबंध में था तो किराए पर ले लिया गया सर, उसका हो गया अनुभव। रामगढ़ ताल परियोजना के अंतर्गत गौतम विहार आवासीय योजना, इसका हम अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं सर। गौतम विहार आवासीय योजना एवं गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना के मध्य प्राधिकरण की 5 एकड़ मोटल एवं ऑडिटोरियम है द्वारा क्षेत्र रिक्त भूम चंपा देवी पार्क नीर निकुंज के पश्चिम इंदिरानगर प्राइवेट कॉलोनी से सटे 4 एकड़ पुलिस स्टेशन है द्वारा क्षेत्र भूम का उपयोग खुले स्थल पार्क आवासीय किए जाने के संबंध में इस संबंध में निर्देशित किया गया प्रसंगत स्थल पर पार्किंग एरिया प्राधिकरण अथवा प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा विकसित योजनाओं में भूखंडों के विभाजन किए जाने के संबंध में राजगढ़ बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत जिन आवंटियों द्वारा पैसेज की भूमि का उपयोग किया जा रहा है, निर्देशानुसार उक्त पैसेज की भूमि आवंटियों के पक्ष में आवंटित किए जाने के संबंध में इस संबंध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियंता नगर निगम गोरखपुर, सहायक नगर नियोजक गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा गोरखपुर बोर्ड के एक नामित सदस्य की एक कमेटी गठित की गई, जो स्थल की जांच कर अपनी आख्या आगामी बोर्ड बैठक में ट्रांसफर हो गया था, वो नहीं उपस्थित हो पाए थे। बाकी सब समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उद्भिद 1988 पत्र का अनुस्मारक करते हुए उसकी पहले गया था, उसका अनुस्मारक करते हुए देखिए आज GDA बोर्ड की बैठक की गई थी मास्टर प्लान के लिए, और जो हमारे कंसल्टेंट ने मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है उसको आज बोर्ड के समक्ष रखा गया है। सभी मेंबर्स को जो प्रस्ताव है पूरा दे दिया गया है, और साथ ही में पब्लिक के जानकारी हेतु इसको पब्लिश भी किया जाएगा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। इससे पब्लिक उसको देखेगी और जो भी उनका सुझाव होगा वो उस पर दे पाएगी। तो सभी सुझावों को, बोर्ड मेंबर को सुझावों को लेकर इसको पुनः बोर्ड में रखा जाएगा अनुमोदन करने के लिए। सर मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें रखी गई? अब जो मुख्य रूप से इसमें यही है कि जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं उसमें
में किस तरह से रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल इत्यादि लैंड यूज़ देने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें ये भी प्रस्ताव किया गया है कि जो जिस तरह से बस स्टेशन है या वेयर हाउस वगैरह आने हैं वो किस तरह से शहर के बाहर अलग अलग जगह उसको व्यवस्थित किया जाए। जो भी मुख्य सड़कें हैं उस पर बाजार स्ट्रीट और मिक्स्ड लैंड यूज़ का प्रावधान है, जो हाईवे है उस पर हाईवे फैसिलिटी जोन का प्रावधान है, इसी तरह से इंटरटेनमेंट जोन इत्यादि बहुत सारे प्रस्ताव दिए गए हैं। आप लोगों को भी इसका प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाएगा 2-4 दिन में, तो उससे सभी को जानकारी हो जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से सभी से यही निवेदन रहेगा कि इसमें अपना सुझाव दे दें ताकि इसको जल्दी से लागू कर दिया जाए। 5 साल पहले तक गोरखपुर जिले के औरंगाबाद और आसपास के गिनती के गांव तक सिमटा रहा टेराकोटा का माटी शिल्प योगी सरकार की पहल से वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिलों के पारंपरिक शिल्प व हुनर को उद्यम का रूप देने के लिए शुरू ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल होने के बाद टेराकोटा लोकल से ग्लोबल की सफल यात्रा पर है। इस पारंपरिक शिल्प को इंडस्ट्री में तब्दील करने में सरकार के प्रयासों से प्रेरित होकर कई संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। शिल्पकारों को अपने कारोबार को और रफ्तार देने में पूंजी की कमी नहीं होगी। इस दिशा में एक पहल पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से वही की गई है। सरकार की तरफ से मिलने वाले वित्तीय सहायता के अलावा अब ये शिल्पकार बैंक से आसानी से लोन लेकर कारोबार का भरपूर विस्तार कर सकेंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक ने गोरखपुर के 5,000 टेराकोटा शिल्पकारों को सहजता से लोन देने की कार्ययोजना बनाई है। बैंक की तरफ से शिल्पकारों को 25 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बैंक इसके लिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक ने गोरखपुर के टेराकोटा शिल्पकारों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की अपनी कार्ययोजना की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपर मुख्य सचिव व MSME नवनीत सहगल से अलग अलग मुलाकात कर दी। मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री एवं ACS से मुलाकात करने वालों में पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रामजस यादव, उप महाप्रबंधक विनय खंजेलवाल, मुख्य प्रबंधक विनय कुमार ओझा व मुख्य प्रबंधक अंचल श्रीवास्तव शामिल रहे। इस दौरान CM योगी ने बैंक अधिकारियों को गोरखपुर के विशिष्ट माटी शिल्प टेराकोटा की खासियत की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि कैसे ODOP में शामिल होने के बाद टेराकोटा आज वैश्विक स्तर पर धाक जमा रहा है। ODOP का साथ मिलने से शिल्पकारों के पास टेराकोटा उत्पादों की इतनी मांग है कि उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी बढ़ रहा है। ACS MSME नवनीत सहगल ने बैंक के प्रतिनिधि मंडल को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भरता के मंत्र के अनुरूप ODOP योजना प्रदेश के हर जिले में किसी विशिष्ट शिल्प या उत्पाद को बढ़ावा देकर आर्थिक प्रगति व रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि ODOP CM योगी का ऐसा विजन है जिसने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और हुनरमंदों के लिए स्वावलंबन का सुनहरा अध्याय लिख दिया है। श्री सहगल ने बताया कि आज गोरखपुर के टेराकोटा शिल्पकार करीब 1,000 प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं और इन उत्पादों की जबरदस्त मांग है। सरकार के प्रयासों से टेराकोटा को GI जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग भी हासिल है। उन्होंने टेराकोटा शिल्पकारों को लोन देने की कार्ययोजना के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि इससे शिल्पकारों को अपने कारोबार को नई ऊंचाई देने में काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रामजस यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से ODOP योजना की पहचान घर घर हो चुकी है। उन्होंने टेराकोटा शिल्पकारों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश के MSME विभाग के साथ मिलकर कार्य करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ODOP योजना की शुरुआत 2018 में की थी। मकसद था जिले में खास तरह के शिल्प या उत्पाद बनाने वाले शिल्पकारों के जीवन में आर्थिक सुदृढ़ता लाते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। इस योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में खास पारंपरिक उत्पाद को उस जिले का ODOP उत्पाद घोषित किया गया। गोरखपुर में टेराकोटा शिल्प से बनने वाले मिट्टी के उत्पादों ODOP में शामिल किया गया। ODOP में शामिल होने के बाद टेराकोटा ने दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की है। कभी शिल्पकारों ने इन उत्पादों के बाजार के अभाव में इस कला से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। आज उनके पास 5 महीने का एडवांस ऑर्डर रहता है। सरकार ने उन्हें इलेक्ट्रिक चौक,
पगमिल आदि देकर उनके काम को आसान बना दिया है, तो आक्रामक मार्केटिंग और ब्रांडिंग से टेराकोटा को देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचा दिया है। टेराकोटा के उत्पाद तमाम ई कॉमर्स कंपनियों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 2017 की तुलना में टेराकोटा शिल्प से रोजगार अर्जित करने वालों की संख्या करीब 10 गुनी बढ़ गई है। पूर्वोत्तर रेलवे अपने यात्रियों को बेहतर एवं पारदर्शी सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी संबंध में कुछ ट्रेनों में कंडक्टर को HST डिवाइस दिया गया है। यह जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि पहले चार्ट द्वारा टिकट कंडक्टर यात्रियों के सीटों को चेक करते थे, लेकिन HST डिवाइस द्वारा आरक्षण चार्ट देकर सीट के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी सीट खाली है या कौन सी सीट RAC है। अब पूरा का पूरा आरक्षण चार्ट डिवाइस के माध्यम से देखा जा रहा है। अगर सीट बुक करने के बाद यात्री नहीं आता है तो खाली सीट को डिवाइस के माध्यम से ऑटोमेटिक अनकंफर्म यात्री को कंफर्म टिकट होने का मैसेज चला जाएगा। इससे कंडक्टर किसी और को सीट नहीं दे पाएंगे। रेलवे के इस प्रोजेक्ट से यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, रेलवे यात्रियों को बेहतर एवं पारदर्शी सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है और उसी दिशा में कुछ ट्रेनों में हम लोगों ने कंडक्टर्स को HST डिवाइस देने शुरू किए हैं। HST डिवाइस मतलब हैंड हेल्ड टर्मिनल, ये टैबलेट की तरह होता है, मोबाइल से थोड़ा बड़ा, जिसमें जो पहले आरक्षण चार्ट लेकर कंडक्टर जाते थे, अब वो डिजिटल फॉर्मेट में हमने कर दिया है। अब उस डिवाइस में देखकर आरक्षण चार्ट उस डिवाइस में वो देख सकते हैं कि कौन सी सीटें खाली हैं, कौन सी सीट भरी हुई है, कौन सी सीट पर कौन बैठा हुआ है, यानी कि जो पूरा का पूरा चार्ट आरक्षण चार्ट था वो अब HST के माध्यम से लेकर जा रहे हैं। तो इससे एक ये व्यवस्था भी पेपरलेस हो गई है। इससे यात्रियों को जो सुविधाएँ मिली हैं वो इस प्रकार से हैं कि अगर कोई यात्री किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, वो टर्न अप नहीं होता है, कंडक्टर देखता है कि जिस यात्री को आना था वो नहीं आया, तो खाली सीट को वो जैसे ही उस डिवाइस में नॉन टर्न अप भरेगा, वैसे ही जो RAC में यात्री होंगे उनको कंफर्म टिकट का मैसेज चला जाएगा और उनकी सीट वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो जो पहले कंडक्टर उस सीट को किसी को दे सकते थे, अब वो अधिकार उनके पास नहीं रहा, उनको उसको पारदर्शी तरीके से उसमें भरना है, जिससे कि जो सीट जो भी अगला RAC यात्री हैं उनको मिल जाए या फिर नेक्स्ट स्टेशन पे वो सीट शो करेगा, जो करंट रिजर्वेशन के माध्यम से भी लोग वहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं। तो लगातार रेलवे यात्रियों को बेहतर और पारदर्शी सुविधाएँ देने के क्रम में ये भी कार्य हुआ है, इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। मंडल स्थित नौकैन पर घूमने आने वाले लोगों की सुरक्षा व सुगम यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखने के लिए शनिवार और रविवार को ट्रैफिक विभाग ने नई यातायात व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि नौकैन पर टूरिस्ट हर रोज घूमने आते हैं और अपने अच्छे मोमेंट व्यतीत करते हैं। वहाँ पर टूरिस्ट और नागरिकों की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पैडलेगन से नौकैन घूमने वाले लोगों का चार पहिया वाहन सर्किट हाउस मोड से आगे प्रतिबंधित रहेगा। सर्किट हाउस मोड से डायवर्जन करके मुख्य गेट के बगल में पार कराया जाएगा तथा सर्किट हाउस और प्रेक्षागृह भर जाने पर पैडलेगन से नौकायन की तरफ जाने वाले चारपहिया वाहन को चंपा देवी पार्क में पार्किंग कराया जाएगा तथा नौकायन पर घूमने वाले लोगों को महंत दिग्विजयनाथ पार्क, सर्किट हाउस, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और चंपा देवी पार्क में पार्किंग व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, रामगढ़ ताल पर स्थित नया सवेरा नाम का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे गोरखपुर तथा आसपास के जनपदों के आने वाले टूरिस्ट तथा घूमने वाले लोग वहाँ पर आते हैं और अपने अच्छे मोमेंट्स वहाँ पे व्यतीत करते हैं। तो वहाँ पर नागरिकों की और टूरिस्ट की सुविधा के लिए फोर व्हीलर और टू व्हीलर की वजह से जो मेन बुद्धा द्वार पे जाम लगता था, उसके लिए सभी के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सर्किट हाउस पर उनकी पार्किंग की जाएगी। और अब और जो देवरिया की तरफ से आएंगे, देवरिया बाईपास की तरफ से, उनकी पार्किंग ट्रांसफार्मर तिराहा की तरफ दिग्विजयनाथ पार्क में की जाएगी। इस पार्किंग की व्यवस्था होने से नागरिकों को घूमने फिरने और खाने पीने में
सहूलियत होगी। इस व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए जीडीए से बेंडिंग जोन बनाने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिक उष्ण सुरम वातावरण का रामगढ़ताल स्थित नया सवेरा पार्क पर अच्छे से इसका एंजॉय कर सकें। सर कितनी गाड़ियाँ खड़ी होने की क्षमता है? जितने टूरिस्टों का इनपुट है उसके लिए पर्याप्त क्षमता है क्योंकि महंत दिग्विजयनाथ पार्क काफ़ी बड़ा है और इससे पहले सर्किट हाउस पर है और सर्किट हाउस की पार्किंग जब भर जाएगी तो हमारे पास गंभीरनाथ प्रेक्षागृह वाला रोड और उसके पीछे जगह है खड़ी करने की और इसके अतिरिक्त चंपा देवी पर भी हमने वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था रखी हुई है तो पार्किंग की कोई कमी नहीं है। सर शुल्क है? चूँकि जी डी ए इसको मैनेज कर रहे हैं तो शुल्क के बारे में निर्णय जी डी ए द्वारा लिया जाएगा। ये ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था पिछले रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के त्यौहार 13, 14, 15 अगस्त से लागू है और इसको प्रत्येक सैटरडे संडे और महत्वपूर्ण त्योहारों के दिन इस डायवर्जन प्लान को लागू किया जाएगा। इसकी अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अगर बीच में कोई और सभा दिन या महत्वपूर्ण पर्व आता है तो इसको आवश्यकतानुसार बीच में भी लागू करेंगे परंतु ये सैटरडे संडे और महत्वपूर्ण त्योहारों के दिन के लिए ये डायवर्जन का आदेश स्थायी है। डायवर्जन में टीम भी लगाई गई है? डायवर्जन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तथा रामगढ़ताल पुलिस की टीम पूर्व से लगाई गई है और इसके बारे में सभी प्रचार माध्यमों से और आपके माध्यम से आम जनता को अवगत भी कराया जा चुका है। सीडीओ संजय कुमार मीना ने विकास भवन के सभागार में जनपद के ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान सीडीओ ने कहा कि मनरेगा के कार्यों में गांव के लोगों को शामिल कर रोजगार दिया जाए। शासन का निर्देश है कि गांव के लोगों को सभी सरकारी कार्यों में 100 दिन का काम दिया जाए क्योंकि गांव में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके मनरेगा से जोड़ा जाए। ब्लॉक प्रमुखों के पास बहुत से लोग काम के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को 100 दिन का रोजगार देकर मनरेगा से जोड़ सकते हैं जिससे मजदूरों का घर परिवार आसानी से चल सकेगा। इस अवसर पर चरगावा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लेकिन जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से वो पानी इकट्ठा रहता, फिर संचारी रोग वाली समस्या आ जाती है। यानी साफ सफाई स्वच्छता की भी जरूरत पड़ती है और वहाँ शोकपीठ निर्माण हैंडपंप के बगल में करा देने से ऊपर से वो रोग पर नियंत्रण भी आ जाता है। तो इस तरीके के हम इस मनरेगा को आपको विभिन्न जो है परिवार को के लाभ की दृष्टि से अगर हम आगे बढ़े तो खाली निर्माण कार्यों को छोड़कर के व्यक्तिगत लाभ और आर्थिक उत्पाद को बढ़ावा देने और बिजनेस व्यवसाय के दृष्टि से भी आपके गाँव वासियों को जो की कम पढ़े लिखे या इस श्रेणी में आने वाले जानकारदारक परिवार है उनको संतुलित का काम देते हुए इस दिशा में जोड़ करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये अपील इसलिए भी है, चर्चा इसलिए भी मैं 5 मिनट में करना चाहता ताकि हमारे माननीय प्रमुख जी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपके पास भी आते हैं, जनता आती है और चर्चा भी करती है, फिर आपकी बैठकें जब होती है वहां भी चर्चा होती है। तो इस दिशा में किए जाने और कराए जाने के लिए जो है इसमें लिया जा सकता है कोई ऐसे नहीं। 262 कार्य जो है वो सभी खंड विकास अधिकारी साहबान से अनुरोध है कि अपनी मांगी प्रभु जी लोगों को भी उपलब्ध करा देंगे, उसमें चिन्हांकित होगा, एकदम स्पेसिफिक क्लियर है कि कौन से काम कराए जा सकते हैं। पशुपालन विभाग देता है अनुसूचित परिवार, वहाँ 100% अनुसूचित परिवार है लेकिन उसके सेट की बात वहाँ नहीं है, वो मनरेगा में 200 बड़ा करेगा फिर उसका सेट का भी बना रहेगा। तो ये बताते हैं कि हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि इस योजना के तहत 60-40 का जो अनुपात है 60% जो खर्च किए जाते हैं उसमें लेबर कंपोनेंट में, चूंकि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आशय सिर्फ ये है कि 100 दिन हम क्यों बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो निर्धारण किया एनालिसिस की गई उसके आधार पर आयुष बना जीव बना उसमें यह है कि 365 दिन में धान का है, गेहूं का फसली है, दो फसली है तो एनालिसिस करने के बाद 200% दिन लंबा किया रहता है कि किन कारण किस योग में कार्यों में जुड़ा रहता है काम करता है। लेकिन ये भी है
कि इसको जो है 100 दिन दे करके 18,000-20,000 रुपए जो जाता है इसके घर परिवार में जाना चाहिए, और जाए तो उसके जो है जीविकोपार्जन में भी रहेगा और रोजगार के अवसर जो प्राप्त होते हैं ये। तो कुल मिलाकर के ये मैंने सामरिक रूप में जो है एक उद्देश्य और इसके एनालिसिस के बारे में संज्ञान लाने का प्रयास किया। अब मुख्य नहीं हो पाई है, हो सकता है आप लोगों से मुलाकात हुई हो, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। जीडीए बोर्ड की 122वीं बैठक में महायोजना 2031 पर अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुआ साकुशल संपन्न। विभिन्न प्रस्तावों पर लगी मुहर। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, बोर्ड के सदस्यों और नागरिकों का सुझाव मिलने के बाद महायोजना 2031 को बोर्ड में रख कर दिया जाएगा पास। ओडीओपी में शामिल टेराकोटा को लोकल से ग्लोबल बनाने में जुटी योगी सरकार। पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम योगी व एसीएस एमएसएमई नौनी सैगल से की मुलाकात। गोरखपुर के 5,000 टेराकोटा शिल्पकारों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगा बैंक। पूंजी बढ़ाकर कारोबार को और रफ्तार देंगे टेराकोटा के शिल्पकार। पूर्वोत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों में टिकट कंडक्टरों को एचएचटी डिवाइस से किया लैस। डिवाइस के माध्यम से ऑटोमेटिक अनकंफर्म यात्री का ट्रेनों में ही होगा टिकट कंफर्म। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। शनिवार और रविवार को तारामंडल स्थित नौकायन पर घूमने आने वाले लोगों की सुरक्षा व सुगम यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक विभाग ने वहां नए यातायात व्यवस्था की शुरुआत। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। जनपद के सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ सीडीओ संजय कुमार मीणा ने की बैठक। कहा, सभी ब्लॉक प्रमुख अपने अपने क्षेत्र में गरीब मजदूरों को मनरेगा में शामिल कर उन्हें 100 दिन का दे रोजगार। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के तीसरे दिन केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य डॉक्टर राजेश कोटेजा ने साझा की आयुष की प्रगति की जानकारी। कहा, 6 साल में 6 गुना बढ़ी है आयुष मेडिसिन इंडस्ट्री। कोरोना के दौर में आयुष की वैश्विक उपलब्धियों को देख कर जामनगर में अपना सेंटर खोल रहा है WHO। रेल यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की है सर्वोच्च प्राथमिकता। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, जीवन रक्षा अभियान के तहत लगातार यात्रियों को किया जाता है जागरूक। दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त आजाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। डीडीएमए व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जलवायु परिवर्तन अब जमीनी स्तर पर हो रहे हैं महसूस। ग्रामवासियों से सभी लोगों को जानकारी लेने की है आवश्यकता। और राजकीय आईटीआई चरगांव पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। रोजगार मेले में 140 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग। 74 अभ्यर्थियों को मिला रोजगार, सहायक रोजगार सहायता अधिकारी ने दी जानकारी। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2014 के बाद भारत सरकार द्वारा आयुष को महत्व दिए जाने से इस पर आधारित मेडिसिन इंडस्ट्री 6 गुना रफ्तार से आगे बढ़ी है। 2014 में किए गए एक उच्च स्तरीय अध्ययन में निष्कर्ष निकला था कि देश में आयुष इंडस्ट्री का आकार $3 बिलियन का था। 2020 में दोबारा हुए अध्ययन में यह आंकड़ा $18.1 बिलियन पहुँच चुका था। 6 साल में 6 गुना विकास दर्शाने वाला यह आंकड़ा देश में आयुष को बढ़ावा देने के कदमों की झलक दिखा जाता है। यह जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य डॉक्टर राजेश कोटेजा ने दी। वह बुधवार अपराह्न महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस 28 अगस्त के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के 3rd दिन आजाद भारत में आयुर्वेद 2014 के पूर्व एवं इसके बाद विषय पर विचार व्यक्त कर रहे थे। डॉक्टर कोटेजा ने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदर्शी सोच से आयुष विभाग को इस संकट को अवसर के रूप में लेने की नसीहत दी थी। इसके बाद टास्क फोर्स बनाकर लोगों को कोरोना से मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया गया। आयुष को लेकर तब काफी दुष्प्रचार भी हुआ, लेकिन लोगों ने भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए इस पर पूरा भरोसा रखा। कोरोना के दौर में लोगों को रोग मुक्त व निरोग रखने में गिलोय अश्वगंधा आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष पर लोगों के भरोसों को इससे समझा जा सकता है कि करीब 2000 करोड़ रुपए का कारोबार सिर्फ आयुष काढ़ा का हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय हुए एक सर्वे में 89.9% लोग आयुष दवाओं का प्रयोग करते पाए गए। वैद्य डॉक्टर कोटेजा ने कहा कि कोरोना के दौर में आयुष विभाग की तरफ से किए गए कई अध्ययनों के निष्कर्ष को साझा करते हुए बताया कि आयुष की सफलता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी मुरीद हो गया। WHO गुजरात के जामनगर में अपना सेंटर स्थापित कर रहा है, तो इसमें आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयुष मंत्रालय के सचिव डॉक्टर कोटेजा ने कहा कि हाल के दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी रिफॉर्म हुए हैं। इससे आने वाले समय में आयुर्वेद व आयुष के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की भी शुरुआत होगी। उन्होंने BAMS के छात्रों का आह्वान किया कि वे सोच ऊंची रखें, बड़ा स्वप्न देखें और पढ़ाई पूर्ण करने के बाद खुद को डॉक्टर की बजाय वैद्य कहलाना अधिक पसंद करें। साथ ही यह उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले कुछ सालों में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक होगा। गुरुवार के व्याख्यान के दूसरे विशिष्ट वक्ता KGMU लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर LMB भट्ट ने कहा कि आयुर्वेद का जन्म वैदिक काल में अथर्ववेद में हुआ। आयुर्वेद बीमारियों से रोकथाम एवं बचाव के साथ ही उनके उपचार की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। यह आयुर्वेद की महत्ता ही है कि इसे हमारी ज्ञान परंपरा और संस्कृति में पंचम वेद के रूप में मान्यता दी गई। प्रोफेसर भट्ट ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद से वर्ष 2014 तक समय समय पर आयुर्वेद के विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए, लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ तुलनात्मक रूप से देखें तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद नीति नियंताओं के सौतेले व्यवहार का शिकार रहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में तथा 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद एवं आयुष के विकास व नवाचार की एक आंधी देखने को मिली। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 2014 में PM मोदी ने केंद्र में अलग आयुष मंत्रालय बनाया, तो उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी जी के CM बनने पर यहां अलग आयुष मंत्रालय देखने को मिला। देश में आयुर्वेद के विकास के लिए 2014 में नेशनल आयुष मिशन की स्थापना की गई। इसके तहत 31 मार्च 2020 तक जिला अस्पताल स्तर पर 497
पीएससी स्तर पर 7,789 तथा सब सेंटर स्तर पर 3,922 आयुष केंद्रों की स्थापना की गई। प्रोफेसर भट्ट ने बताया कि मिशन कार्यों के लिए वर्ष 2022-23 में सरकार ने बजट को बढ़ाकर 800 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने 2014 के बाद आयुर्वेद तथा आयुष विधा से इलाज व शिक्षा को लेकर हुए प्रयासों और हासिल उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा की। साथ ही बताया कि कोरोना कालखंड में आयुर्वेद का पुनरुत्थान देश व दुनिया ने देखा। आयुर्वेद के काढ़े को विदेशों में भी एलोपैथी चिकित्सालयों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। गुजरात के जामनगर में वैश्विक आयुष नवाचार एवं निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना भारत के वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद के लिए एक सिर्फ उपलब्धि है। गुरुवार को व्याख्यानमाला में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए के सिंह व भारत सरकार के पूर्व औषधि महानियंत्रक डॉक्टर जी एन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, स्वागत संबोधन गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य डॉक्टर डी एस अजीता ने तथा आभार ज्ञापन साध्वी नंदन पांडे ने किया। व्याख्यानमाला में महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर गणेश बी पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर दीपू मनोहर, डॉक्टर पीयूष वर्मा, डॉक्टर एस एन सिंह, डॉक्टर जासोबेन, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही। मंच संचालन सांभवी शुक्ला व आशीष चौधरी ने किया। व्याख्यान का शुभारंभ BAMS की छात्राओं साक्षी सिंह, मम्पी राय व दीक्षा द्वारा प्रस्तुत धन्वंतरी वंदना एवं सरस्वती वंदना से तथा समापन मधुलिका सिंह, अंशिका जायसवाल, कहकसा आशमा खातून व स्वाति सिंह के वंदे मातरम गान से हुआ। इस अवसर पर सभी शिक्षक व BAMS प्रथम विद्यार्थी उपस्थित रहे। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला के अंतर्गत 25 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से स्वतंत्रता संग्राम में सन्यासी विषय पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आचार्य व पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी व महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव का व्याख्यान होगा। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जीवन रक्षा अभियान के तहत रेल संपत्ति की सुरक्षा एवं अवैध सामानों की धरपकड़ सहित यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिसके संबंध में CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लगातार यात्रियों को जागरूक किया जाता है कि कभी भी चलती ट्रेन से ना उतरे और ना ही चलती ट्रेन को पकड़ने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि कुशीनगर एक्सप्रेस से नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक महिला 2 वर्षीय अपने बच्चे के साथ गाड़ी से उतरते समय प्लेटफॉर्म पर गिर गई। महिला के गिरते ही रेलवे सुरक्षा बल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला तथा बच्चे को उठाया गया, जिससे उन दोनों की जान बच गई और महिलाएं एवं बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। हर जगह RPF के जवान लोगों को जागरूक भी करते हैं और कई तरह की घटनाओं में RPF के जवानों ने जानें भी बचाई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस क्रम में लगातार हम लोग यात्रियों को जागरूक करते रहते हैं कि कभी भी चलती ट्रेन से ना उतरें, ना ही चलती ट्रेन पकड़ने का प्रयास करें। हमेशा समय से जाएं और समय से ट्रेन बोर्ड करें, क्योंकि कई बार ऐसे ही घटनाएँ होती हैं जिसमें यात्री गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। जैसे बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर कल एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला यात्री एक बच्चे को लेकर ट्रेन से निकली और ट्रेन चल रही थी और अचानक वो गिर गई प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे RPF के लोगों ने उनको बचाया। वो बच्चा और माँ दोनों सही सलामत हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन लगातार ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है। इसको लेकर लगातार हम लोग यात्रियों से अपील करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, एक बार फिर से मैं अपील करता हूँ कि कभी भी चलती ट्रेन को ना पकड़ें, ना ही चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास करें। हमेशा समय से
ट्रेन पकड़ने के लिए जाएं, टाइम से ट्रेन पकड़ें। लगातार पंक्चुअलिटी भी हमारी बहुत बेहतर हुई है, ट्रेनें टाइम से चल रही हैं और समय से जाएं। और ट्रेन में जिसको सी ऑफ करना है बाहर से करें, अंदर से घुस के कई बार देखने में आता है लोग सी ऑफ करते हैं और फिर जब तक ट्रेन स्टार्ट नहीं होने वाली रहती है तब तक अंदर बैठे रहते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। इसमें सुधार ले आएँ और आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। लगातार हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए कार्य करते रहते हैं। हमारे आरपीएफ के लोग हैं, हमारे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो लगातार इनको इन चीज़ों से को लेकर जानकारी भी प्रदान करते हैं। और कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें हमारे आरपीएफ के लोगों ने इनकी जानें भी बचाई हैं। कैंट पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आजाद पुत्र मुर्तजा निवासी आरकेबी के पावर हाउस मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, हाल पता सिंगरिया थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 22 अगस्त को अभियुक्त द्वारा रात लगभग 7 बजे पीड़िता के घर पर अकेला देखकर पीड़िता के साथ छेड़खानी, बलात्कार करने का प्रयास, मारने पीटने व घर में गैस की पाइप खोलकर आग लगाने की कोशिश करने लगा। पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी प्रभारी अंजनी कुमार यादव, कांस्टेबल वैभव श्रीवास्तव, नीतीश यादव शामिल रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग में DDMA तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में ऋतु चक्र परिवर्तन के साथ साथ भिन्न भिन्न इलाकों में अलग अलग किस्म के प्रभाव पड़ रहे हैं, ऐसे में अब इस बात की जरूरत है कि स्थानीय स्तर की वास्तविकताओं और चुनौतियों पर आधारित कार्य योजनाएं तैयार की जाएं और इसे क्रियान्वित भी किया जाए। गोरखपुर जनपद में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस तरह की परियोजनाओं पर जोर दिया है और इसके बेहतर परिणाम भी मिले हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अध्ययन और कार्य कर रहे युवाओं के लिए इन परियोजनाओं में काम करने के ढेरों अवसर हैं। उन्होंने कहा, अब वह समय आ गया है जब प्रत्येक जनपद को अपने अपने क्षेत्र के लिए हीट एक्शन प्लान और कोल्ड एक्शन प्लान तैयार करने चाहिए। यही नहीं, अब वर्षा अपना पैटर्न बदल रही है, ऐसे में ग्रामवासियों से अधिकाधिक इनपुट लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में हमें खेती बाड़ी या जुताई बुआई का समय बदलना पड़े। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग के प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर बीना बत्रा कुशवाहा, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, डॉक्टर आरती यादव, डॉक्टर विजय कुमार, एडिशनल CMO डॉक्टर AK चौधरी, अग्निशमन विभाग के ब्रज मोहन सिंह, DDMA के तकनीकी विशेषज्ञ मनोज कुमार जायसवाल, जिला पंचायत राज विभाग के अजय कुमार सिंह, NDRF SDRF के प्रतिनिधिगण, भारत सेवा मिशन के डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, अमित सिंह पटेल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह सर यहाँ पर हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ गोरखपुर जिसको लीड कर रहे हमारे डिप्टी कमांडेंट PL शर्मा सर यहाँ पर लोगों के साथ आज मंच में उपस्थित हैं। ज़्यादा ही कहूँगा कि 2 साल बाद फिर से एक बार गोरखपुर में यूनिसेफ उत्तर प्रदेश की DRR हेड डॉक्टर उर्वशी चंद्रा मैम हम लोगों के बीच यहाँ पे आज उपस्थित है। मैम आपका स्वागत है। हर्ष कुमार सिन्हा सर आपकी उपस्थिति में ये सारा पूरा प्रोग्राम कर उनका आशीर्वचन प्राप्त कर सर हम लोग आगे इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं। SNM त्रिपाठी सर से कि सर
आप क्या भी हैं सर का सर कुछ कुछ से स्वागत करें सर। बहुत सूट करता है सर क्लाइमेट रेजिलिएंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संयुक्त तत्वावधान में ये जो आज कार्यशाला और जिसको हम लोग कार्यशाला के साथ एक संवाद कार्यक्रम के रूप में भी देख रहे हैं, एक इंटर एजेंसी डायलॉग के रूप में देख रहे हैं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित बहुत सारे रूपों में बहुत सारी भूमिकाओं में गोरखपुर जनपद की अलग अलग तरीके से सेवा करने उसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाले अपर जिलाधिकारी विक्रम राजस्व श्री राजेश कुमार सिंह जी डॉक्टर उर्वशी चंद्रा जिनको आप आगे सुनेंगे और आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते होंगे तो खास तौर पर क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट रेजिलियंस के विषय में एक विशेषज्ञ वक्ता के रूप में और एक बड़े रिसोर्स पर्सन के तौर पर हम लोग उनको जानते हैं। कार्यक्रम अधिकारी के रूप में उन्होंने मिनिस्टर के साथ अपनी सेवाएं दी हैं और खास तौर पर उनकी ट्रेनिंग्स में मौजूद रहे बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत अभी तीन चार रोज पहले हो रही थी और मुझे लगता है कि जो अनुभव मैंने उनसे जाना वो थोड़ी देर बाद आप भी महसूस करेंगे क्योंकि चीज़ों को खास तौर पर जो जटिल लगती चीज़ों को आप कैसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जो आपको प्रथम दृष्टया चीज़ें नहीं समझ में आती और शायद रिसोर्स पर्सन एक बेहतर रिसोर्स पर्सन की यही पहचान है। मंच पर NDRF के डिप्टी कमांडेंट PL शर्मा साहब भी NDRF आप सभी चूंकि आपदा प्रबंधन के विद्यार्थी हैं आपको बेहतर जानते होंगे। अब इस देश का प्रत्येक नागरिक भी जानता है क्योंकि हम पहले ये देखा करते थे कि आपदाएं आती थी और उसके गुजर जाने के बाद या उसका बहुत गहरा असर पड़ जाने के बाद तब हमको हमारी एजेंसीज वहाँ पर पहुँचती हुई दिखती है और अब शायद रिस्पांस टाइम को NDRF ने इतना घटा लिया है कि कई बार ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आपदा पर निगाहें रखे हुए हैं और जहाँ वो पहुँचे वहाँ हमको पिछले कुछ समय में आपने गोरखपुर में बहुत सारी एक्टिविटीज देखी होंगी उसमें आपने पार्टिसिपेट भी किया हमारे विद्यार्थियों तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग एजेंसी से विशेषज्ञ प्रतिनिधि मौजूद हैं मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी और प्राणी विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रीना मुद्दा जी भी उपस्थित हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम मूलतः विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस के इन दो इशू के आगे आने वाले समय में हम लोग इन मुद्दों पर केंद्रित किस प्रकार की योजनाएं बना सकते हैं किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देगा या सूचित करेगा या अवगत करेगा। क्लाइमेट चेंज अब ये बताने वाली बात नहीं है ठीक उसी तरह से जैसे एक ज़माने में हम लोगों को जब हम लोग छोटे थे तो ये समझ में नहीं आता था कि एसिड रेन क्या चीज़ होती है क्या एसिड बरसता होगा या क्लाइमेट चेंज क्या होता होगा ये अब से कुछ साल पहले तक बहुत साफ समझ में नहीं आता लेकिन अब हम
उसको महसूस करना। अब हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में उसको महसूस करें, और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आता है कि ये 89 का समय था, हम लोग एक कार्यक्रम में इलाहाबाद में थे, एक कॉन्फ्रेंस थी, और उस कॉन्फ्रेंस में शाम को एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम था जिसमें इलाहाबाद के बड़े मशहूर कवि थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह मौसम बदलता है, बताओ क्या करें, शाम को सूरज निकलता है, बताओ क्या। राजकीय ITI चरगावा पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सहायक रोजगार सहायता अधिकारी पवन कुमार पटेल ने बताया कि बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 5 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। रोजगार मेले में 140 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया और इंटरव्यू दिया, जिसमें से 74 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थी रोजगार मेले में जरूर भाग लें, जो कि महीने में 2 बार लगता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक रोजगार सहायता अधिकारी पवन कुमार पटेल ने कहा, आज ITI चरगावा गोरखपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 140 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया है, जिसमें 5 कंपनियों के द्वारा कुल 74 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया। इसमें अधिक से अधिक जो है बच्चे पार्टिसिपेट किए, और आगे भी इसी तरह के आयोजन किए जाना सुनिश्चित किया जाएगा इस कार्यालय के द्वारा। उसमें रैपिडो कंपनी थी, एक बायोटेक कंपनियां था, LIC थी। वैसे तो क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय गोरखपुर द्वारा हर महीने में 1-2 रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। इस महीने में 2 रोजगार मेले कंप्लीट हो गए हैं, और जल्द से जल्द अगले महीने में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। GDA बोर्ड की 122वीं बैठक में महायोजना 2031 पर अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार NG की अध्यक्षता में हुआ साकुशल संपन्न। विभिन्न प्रस्तावों पर लगी मुहर। GDA उपाध्यक्ष ने कहा, बोर्ड के सदस्यों और नागरिकों का सुझाव मिलने के बाद महायोजना 2031 को बोर्ड में रख कर दिया जाएगा पास। ODOP में शामिल टेराकोटा को लोकल से ग्लोबल बनाने में जुटी योगी सरकार। पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने CM योगी व ACS MSME नौनी सैगल से की मुलाकात। गोरखपुर की 5,000 टेराकोटा शिल्पकारों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगा बैंक। पूंजी बढ़ाकर कारोबार को और रफ्तार देंगे टेराकोटा के शिल्पकार। पूर्वोत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों में टिकट कंडक्टरों को HHT डिवाइस से किया लैस। डिवाइस के माध्यम से ऑटोमेटिक अनकंफर्म यात्री का ट्रेनों में ही होगा टिकट कंफर्म। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। शनिवार और रविवार को तारामंडल स्थित नौकायन पर घूमने आने वाले लोगों की सुरक्षा व सुगम यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक विभाग ने वहां नए यातायात व्यवस्था की शुरुआत। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। जनपद के सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ CDO संजय कुमार मीणा ने की बैठक। कहा, सभी ब्लॉक प्रमुख अपने अपने क्षेत्र में गरीब मजदूरों को मनरेगा में शामिल कर उन्हें 100 दिन का दे रोजगार। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के 3rd दिन केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य डॉक्टर राजेश कोटेजा ने साझा की आयुष की प्रगति की जानकारी। कहा, 6 साल में 6 गुना बढ़ी है आयुष मेडिसिन इंडस्ट्री। कोरोना के दौर में आयुष की वैश्विक उपलब्धियों को देख कर जामनगर में अपना सेंटर खोल रहा है WHO। रेल यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की है सर्वोच्च प्राथमिकता। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, जीवन रक्षा अभियान के तहत लगातार यात्रियों को किया जाता है जागरूक। दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त आजाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
डीडीएमए व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जलवायु परिवर्तन अब जमीनी स्तर पर हो रहे हैं महसूस। ग्रामवासियों से सभी लोगों को जानकारी लेने की है आवश्यकता। और राजकीय आईटीआई चरगांव पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। रोजगार मेले में 140 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग। 74 अभ्यर्थियों को मिला रोजगार। सहायक रोजगार सहायता अधिकारी ने दी जानकारी। अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।